नमस्कार, मैं बबीता कोमल, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर और एडिटर, नलवाड़ी असम से आप सभी का शेयर समाधान के साथ सारे समाधान के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं। हम में से हर कोई बचत करता है, हमारे माता पिता भी बचत करते हैं और उनके पहले की जो हमारी पीढ़ियां थी वो भी बचत करती आई थी, क्योंकि हमारी संस्कृति का एक बहुत सुंदर सा अध्याय रहा है कि हम जितना कमाते हैं उसका एक हिस्सा हमें अवश्य बचाना चाहिए। लेकिन कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम बचत तो कर रहे हैं लेकिन कई बार हम हमारी बचत को भूल जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं कारणवश कागज में हमारे पैसे थे या जो पेपर्स हमें मिले थे वो पेपर्स कहीं खो जाते हैं। उस परिस्थिति में हमारी बचत किए हुए पैसे, जो हमारी मेहनत की गाड़ी कमाई थी, वो हमारे साथ नहीं रह पाती है और अफसोस के साथ हमें उस गाड़ी कमाई के धन को भूल जाना पड़ता है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जब घर के कमाने वाले पुरुष की किसी कारण से डेथ हो जाती है तब भी कुछ कारणवश वो धन संपत्ति हमें मिलती नहीं है और हमें उससे हाथ धोना पड़ता है। सारी की सारी परिस्थितियों का मुकाबला कैसे किया जाए, कैसे हम इन सारी परिस्थितियों से निकले, इन सब के लिए हमारे साथ में आज दिल्ली से विकास जैन जुड़ने वाले हैं, जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत कंपनी बनाई है जिसका नाम है शेयर समाधान। 2011 में स्थापित हुई है कंपनी, जिन सारी बातों का मैंने अभी जिक्र किया उन्हीं के साथ काम करती है और हमें ये सुविधा देती है कि जो भी पैसे हमने जमा किए हैं, हमने बचाए हैं, हमने पीपीएफ में, पीएफ में, शेयर्स में और भी जितने भी तमाम तरह के साधन है जो हमारी बचत करने को बढ़ावा देते हैं या हमारी हमारे द्वारा की हुई बचत को अपने पास रखते हैं या उसमें इंटरेस्ट जोड़ के हमें वापस देते हैं, उनसे हम रिकवरी कैसे करें, वो हमारा जो निवेश किया हुआ है वो हम लौट के कैसे आए, इस बारे में काम करते हैं। तो चलिए, मैं आमंत्रित करती हूँ शेयर समाधान को फाउंडर विकास जैन को, जिन्होंने 2011 में अभय के साथ मिलकर ये कंपनी प्रारंभ की थी। विकास जी, आपका मंच पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। धन्यवाद अविता जी। विकास जी से बातों का सिलसिला शुरू करने के पहले मैं आप सबको विकास जी का एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। विकास जी असम के एक छोटे से गांव बोकाखात से आते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत करीब से सटा हुआ है। नेचर की खूबसूरत वादियों में इनका बचपन बीता हुआ है, बहुत आम घर में इनका जन्म हुआ था और वहीं से इन्होंने अपना सफर प्रारंभ किया। गुवाहाटी से इन्होंने आगे की पढ़ाई की, सीएस गुवाहाटी से किया, उसके बाद में ये दिल्ली चले गए, वहां से इन्होंने सीए किया। उसके बाद कुछ साल इन्होंने नौकरी की और तब जाके इन्हें समझ में आया कि इन्हें अपनी अर्निंग के साथ साथ ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे ये देश और समाज का भी हित कर सके, क्योंकि हमारी संस्कृति इस बात को बहुत अच्छी तरह से कहती है कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हम खुद तो अर्न करें ही करें, बाकी लोगों की भी मदद करें, उनके साथ कुछ इस तरह से हम पेश आए, हम उनकी कुछ समस्याओं का समाधान कर सके। और विकास जी, आपने इस तरह के पेशे को चुना, इसके लिए मैं आपको आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो शेयर समाधान एक अलग तरह का जो एक नाम है और अलग तरह से समझ में आता है, ये है क्या? आखिरकार हम शेयर समाधान से क्या समझे? आप हमें विस्तार से बताएं कि हम कैसे समझे शेयर समाधान को। उसके साथ एक टैगलाइन और आपने जोड़ी है, शेयर समाधान के साथ सारे समाधान, तो मैं इसके बारे में भी आपसे जानना चाहूंगा। ओवर टू यू। धन्यवाद बबीता जी। सो हमारी कंपनी का नाम शेयर समाधान के साथ सारे समाधान, नाम ही अपने आप में काफी कुछ कहता है। हम लोगों से समाधान शेयर करते हैं, इसलिए कंपनी का नाम शेयर समाधान रखा। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम वित्तीय समस्याओं से रिलेटेड, किसी के इन्वेस्टमेंट डूब गए, रिकवर नहीं हो रहे हैं, काफी तकलीफ हो रही है उनको निकालने में, फैमिली वाले कोई एक्सपायर हो गए हैं, तो इन्वेस्टमेंट और पैसे से रिलेटेड जो भी समस्याएं लोगों को आती है, उन समस्याओं के निवारण के लिए हमने यह शेयर समाधान स्टार्ट किया। और आज के दिन में वित्तीय समस्याओं से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, सो सारी समस्याओं का समाधान करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं अपने आप को कि शेयर समाधान के साथ सारे समाधान।
ग्रेट 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 विकास जी, सच में बहुत अच्छी आपकी सोच है और बहुत सुंदर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि और या फाइनेंस हमारे जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, उसके बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी ये कि ये इतना अलग तरह का आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे, कहां से आपके दिमाग में ये बात आई कि हम इस तरह का एकदम जो अलग तरह का काम है ये प्रारंभ करें। बबीता जी, लोग कहते हैं कि बेस्ट ऑफ द बिजनेस आइडिया कम्स आउट ऑफ एक्सीडेंट, तो मेरे भी लाइफ में एक ऐसी घटना घटी जो लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई। आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम सीएट टायर्स बॉम्बे में मैंने स्टार्ट किया था, सो लास्ट 10-12 साल में सर्विस में ही था। फिर 2009 में मेरे खुद के बड़े भाई का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। भैया के एक्सपायर होने के बाद मुझे उनके इन्वेस्टमेंट को पहले आइडेंटिफाई करने में कि उन्होंने कहां कहां इन्वेस्टमेंट किए थे, एंड उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट को निकालने में मुझे काफी तकलीफ हुई। एंड ये टिपिकली हर घर की स्टोरी होती है कि कमाई करने वाला इन्वेस्टमेंट करता है बट वो पेपर अच्छी तरह से संभाल नहीं पाता है, या फैमिली में किसी को पता नहीं रहता है, एंड कभी किसी के साथ कुछ घटना घट जाए तो उनके लिए उन इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाई करना और उनको निकालना वो काफी टाइम कंज्यूमिंग अफेयर होता है। तो भैया के जब इन्वेस्टमेंट निकालने में मुझे काफी तकलीफ हुई, तो उस समय मैंने सोचा कि अगर ये मेरी फैमिली के साथ हो सकता है तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो 2011 में मैंने ये आइडिया मेरे को फाउंडर अभय चंडालिया के साथ भी शेयर किया, दोनों का थॉट प्रोसेस सेम था, एंड उसके बाद हमने ये कंपनी स्टार्ट की विद ए सोल ऑब्जेक्टिव कि हम लोगों की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है या इन्वेस्टमेंट जो डूब जाते हैं, जो रिकवर नहीं कर पाते हैं, उनको हम उनके परिवार वाले को वो इन्वेस्टमेंट निकालने का काम करें। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। वेरी गुड वेरी गुड। मतलब आपके खुद के जीवन में जो एक हादसा हुआ उसने आपको सोच की तरफ ला दिया कि आप किस तरह से बाकी सबकी से मदद कर सकते हैं। तो विकास जी, आप मुझे बताइए कि ये समस्या कितनी बड़ी है, हमारे देश में कितने लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं, और कितनी होगी, कितनी बड़ी अमाउंट आपकी नजर में ये हो सकती है जो कि अनक्लेम्ड अमाउंट है? ये समस्या विकास जी काफी बड़ी है, हम जितना सोच सकते हैं उससे कई गुना बड़ी है। ये अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं और कुछ जो पब्लिकली रिपोर्टेड नंबर है, तो लोगों के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में या तो वो फिजिकल पेपर्स में इन्वेस्टमेंट पड़े हुए हैं या किसी भी कारण से अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं, फैमिली को पता नहीं है, तो कम से कम ये 15-20 लाख करोड़ जो पब्लिकली रिपोर्टेड नंबर है वो इसका साइज है। अगर आप सिर्फ फिजिकल शेयर्स की बात करें तो आज के दिन में 5-6 लाख करोड़ के अभी भी फिजिकल शेयर्स पड़े हुए हैं, एंड उसके अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो लोग नौकरी करते हैं उनके पीएफ के पैसे नौकरी करते समय उनके, वो 45,000 करोड़ के पीएफ के पैसे भी जो है जो अनक्लेम पड़े हुए हैं। अगर आप इंश्योरेंस की बात करें तो 15-20 हजार करोड़ के इंश्योरेंस ऐसे हैं जो इंश्योरेंस होल्डर ने पूरी पॉलिसी की प्रीमियम पेमेंट कर दी है बट मैच्योरिटी के बाद या तो पॉलिसी पता नहीं है या उनके परिवार वालों को पता नहीं है। तो इसी प्रकार 25,000 करोड़ रुपए बैंक के इनऑपरेटिव अकाउंट्सों में पड़े हुए हैं जो ऑलरेडी के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं। सो इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स, आप एक बिजनेसमैन है, आपने किसी को माल सप्लाई किया वो पैसे नहीं दे रहा है, सो अगर इन चीजों को भी आप इंक्लूड करें तो ये मार्केट अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है जो कई हजारों करोड़ भी हो सकती है। ये तो सुनने में ही इतना डरावना लग रहा है, और हमारे पास से अगर हर एक घर के अंदर हमारी जो एक आर्थिक स्थिति, एक देश में हम माने कि कोई अगर 50,000 रुपए भी अगर जमा करके रख रहा है और इस 50,000 को हम मल्टीप्लाई करते जाएं तो
डेफिनेटली अमाउंट बड़ी बहुत बड़ी हो जाएगी। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी राशि अनक्लेम्ड हमारी यहाँ पे है और उस राशि को आप उनके घर वालों को देने तक के कार्य में लगे हुए हैं। आपको मैं साधुवाद देना चाहूंगी इसके लिए। लेकिन मैं आपसे विकास जी पूछना चाहूंगी जी, इनका इसका सबसे बड़ा रीजन भी यही है कि बबीता जी है तो हर घर की प्रॉब्लम, बट वही है कि इन्वेस्टमेंट करके भूल जाना एक एक लोगों की प्रवृत्ति रहती है, इसलिए ये अमाउंट। मैं इसी सवाल पे आने वाली थी, मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि आखिरकार ये होता क्यों है, ये राशि इतनी बड़ी कैसे हो जाती है, लोग से बड़ी मेहनत से जमा करते हैं, बचत करते हैं, उसको वो इस तरह से भूल जाते हैं या फिर वो इसको अनक्लेम्ड कैसे छोड़ देते हैं, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा। तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या बबीता जी, अपने आप को भी अपनी दिनचर्या भी अगर सोचे तो सुबह से लेके शाम तक अगर हम बिजनेस में हैं या हम अगर नौकरी पेशा में हैं तो हमारा मेन फोकस रहता है कि हम कमाई करें, कमाई करने के बाद हम परिवार का पालन पोषण करें, कमाई करने के बाद अगर कुछ पैसे अगर बच जाते हैं तो हम उसको इन्वेस्ट कर दें। तो फोकस ये रहता है, हर कोई चाहता है कि उसका भी कोई एक ड्रीम होम हो, उसका भी रिटायरमेंट अच्छी तरह से निकले, बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह से हो, सब कुछ सपना हर व्यक्ति संजो के रखता है। तो मेन फोकस उनका इन्वेस्टमेंट तक तो होता है, बट इन्वेस्टमेंट करना एक बात होती है जी, बट इन्वेस्ट करने के बाद इस चीज को भी जानना बहुत जरूरी है कि आप उस इन्वेस्टमेंट बचा कर भी रखना भी जरूरी है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं होता है, उसकी प्रोटेक्शन भी जरूरी है। रीजन आपने आपने क्वेश्चन पूछा कि ये क्यों होता है, तो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हर घर की स्टोरी है कि जो घर में करने वाला होता है वो अपने इन्वेस्टमेंट की 100% जानकारी अपने परिवार दे ही नहीं पाता है। सो एक प्रॉब्लम तो ये है। आप इन्वेस्टमेंट करते हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड आप पेपर को आप अच्छी तरह से संभाल नहीं सकते, कभी इन्वेस्टमेंट के पेपर गुम गए, आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जब मूव करते हैं तो आप एड्रेस चेंज नहीं करते हैं, कभी आप जनरली एक होता है कि फादर जब बच्चों के नाम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं सो लड़कों का तो क्या कि टाइटल चेंज नहीं होता है, लड़की की शादी के बाद उनके टाइटल चेंज हो जाती है। सो टाइटल चेंज होने से क्या है कि इन्वेस्टमेंट पेपर में आप नेम चेंज नहीं करवाते हो, कभी सिग्नेचर मिसमैच हो जाता है। सो इन रीजंस से क्या होता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाते हो और जब जरूरत पड़ती है तब आप रियलाइज करते हो कि आप इन्वेस्टमेंट का आपको कोई पता ही नहीं है, मिसप्लेस हो गए, डॉक्यूमेंट्स मिल नहीं रहे हैं। तो कभी कभी लोग फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि किन डिपार्टमेंट में जाके उनको उनको ढूंढे, क्या करे क्या नहीं करे, तो इस चक्कर में वो इन्वेस्टमेंट रिकवरी नहीं हो पाते हैं, बट उनको पता नहीं चलता कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वही इन्वेस्टमेंट जो कुछ हजारों के इन्वेस्टमेंट किए हुए थे वो फिर लाखों करोड़ों में हो जाते हैं। और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक हमने 2-3 साल पहले रांची से एक छोटे से गाँव में किसी एक लेडी के पापा ने 1970 में कुछ इन्वेस्टमेंट किए थे, कुछ शेयर में किए थे, कुछ प्रोविडेंट फंड में थे, कुछ इंश्योरेंस में थे, एंड फादर ने फैमिली में किसी को बताया नहीं, एक ही बेटी थी, बेटी की भी शादी हो गई, एंड उसके बाद कुछ सालों के बाद जब उसके फादर एक्सपायर हुए तो बेटी जब अपने पापा के घर में गई, पुराने पुश्तैनी संपत्ति थी उनको देखने के गई तो उनको कुछ काफी इन्वेस्टमेंट के पेपर मिले एंड उनको कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में पता नहीं था। तो उन्होंने हमारे बिजनेस एसोसिएट के थ्रू हमें हमसे संपर्क किया एंड बिलीव नहीं करेंगे 3 साल हमें लगे क्योंकि प्रोसेस इन्वेस्टमेंट निकालने का प्रोसेस काफी पेनफुल होता है। आप बैंक अकाउंट तो 5 मिनट में खोल सकते हो बट बैंक अकाउंट को क्लोज करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। सो 2.5 साल में बबीता जी उसके पापा ने टोटल 8,000 रुपए लगाए थे सारे इन्वेस्टमेंट में, वो हमने उनको 6.5 करोड़ रुपए निकाल के दिए। सो 4,500 रुपए के 6.5 करोड़ रुपए होना तो एक वो खुद ही बिलीव नहीं कर पाई कि कुछ ITC के शेयर थे जो 450 शेयर लिए थे बट हमने 2.5 लाख शेयर निकाल के दिए।
38 लाख के डिविडेंड निकाल के दिए, एंड उसके बाद 6 महीने के बाद सेम लेडी ने हमें फिर से संपर्क साधा और उसने बोला कि मुझे कुछ एक पेपर्स मिला है कि मेरे पापा ने बैंक में एक लॉकर ले रखा था और वो भी हमें पता नहीं है, तो वो बैंक के लॉकर में भी अब क्या पैसा निकलेगा वो हम अभी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट को भी काफी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, इतना इजी प्रोसेस नहीं होता है, बट ऑब्वियसली राइटफुल ऑनर है तो क्लेमेंट को पैसे मिलेंगे, बट प्रोसेस लंबा होता है तो आपको पैसे रखना पड़ता है, बट हाँ तो यही रीजन होते हैं, इन्हीं रीजन के कारण आपके इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाते हैं और पता नहीं चलता है। बहुत खूबसूरती से और बहुत विस्तार से आपने हमें बताया कि क्यों पैसे निकाल नहीं सकते, क्या क्या वजह उसकी होती है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी विकास जी कि ये पैसे कहाँ कहाँ फंसे हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे प्लेसेज है जहाँ पे ये पैसे फंस जाते हैं? हाँ, लार्जली अगर आप आज के दिन में जो इन्वेस्टमेंट अनक्लेम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो सेगमेंट है जहां आज के दिन में लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, जो पुराने जमाने में लोगों ने इन्वेस्ट किए थे, जैसे शेयर्स का मैंने आपको बोला, लोग फिजिकल शेयर्स में लगाते थे, दादाजी ने लगाए, पापा के नाम पे लगाए, परिवार में लगाए, कुछ फिजिकल शेयर्स थे वो घूम गए। दूसरे हो सकते हैं लोग पोस्टल सेविंग्स में लगाते हैं, पीपीएफ हो गए, किसान विकास पत्र हो गए, एनएससी हो गए, वो भी फिजिकल पेपर्स ही रहते थे। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में लोग लगाते हैं, वो मिसप्लेस हो सकते हैं। इसके अलावा बैंक डिपॉजिट हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, आपके खुद के बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा इंडिया में लोग इंश्योरेंस को भी एज ए इन्वेस्टमेंट ही ट्रीट करते हैं, सो इंश्योरेंस के पेपर्स होंगे जो आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं, पेपर मिसप्लेस हो गए, तो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं जो जनरली अनक्लेम्ड होते हैं। और इसके अलावा जो पुश्तैनी संपत्ति होती है, जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, सो वो भी किसी न किसी रीजन से अनक्लेम्ड हो सकता है, या फैमिली में कोई डिस्प्यूट्स हो सकता है, तो वहां भी आपके सब्सटेंशियल अमाउंट अनक्लेम्ड हो सकता है। ओके, इसी से रिगार्डिंग में जानना चाहूंगी आपसे कि ये जो हमारी अनक्लेम्ड अमाउंट है, एक बार जब हमने इनके लिए क्लेम कर दिया तो फिर कितना टाइम लग जाता है रिकवरी में, लगभग कितना टाइम लग जाता है? सो अनक्लेम्ड अमाउंट इन्वेस्टमेंट रिट्रीवल में ये टाइम को स्पेसिफिक टाइमलाइन तो नहीं हो पाता है, बट स्टिल आप 6 महीने से जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है लास्ट 10 सालों का, तो जिसमें हमने अराउंड 100 करोड़ वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट लोगों के निकाले हैं, 6 महीने से 6 साल भी लग सकता है। वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि जिसने इन्वेस्टमेंट किए उनके पास पेपर है या नहीं है, जिसके नाम पे इन्वेस्टमेंट हुआ वो क्या जिंदा है या नहीं जिंदा है, अगर वो जिंदा नहीं है तो उनके उनके जो परिवार में उनके बेटे बेटी, तो उनको वो उनके इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर करने के लिए कानूनी प्रक्रिया होती है, आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट्स बनाना पड़ता है, काफी कोर्ट की फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, तो उस प्रोसेस में टाइम लग जाता है। और उसके अलावा अभी फिलहाल में क्या किया है सरकार ने कि कुछ इन्वेस्टमेंट जो एक स्पेसिफिक पीरियड तक अगर अनक्लेम्ड रहता है, जैसे अगर आपके इंश्योरेंस में है, प्रोविडेंट फंड में पैसे हैं, बैंक अकाउंटों में पैसे हैं, सो अगर 10 साल तक अगर आप क्लेम नहीं करेंगे तो वो 10 साल के बाद वो सरकारी खाते में चला जाता है, तो अगर वो सरकारी खाते में चला जाता है तो आपका प्रोसेस थोड़ा और लंबा हो जाता है, टाइम थोड़ा लग जाता है। ओके, थैंक यू विकास जी। मैं आपसे एक सवाल मेरे मन में आ रहा है आपसे बात करते हुए, क्योंकि मैं आमतौर पे हमारे मारवाड़ी घर में मारवाड़ी हूँ, इसलिए मुझे मारवाड़ी घर याद आता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद भारत के हर एक घर में ऐसा होता होगा कि जो घर का मुखिया होता है वो जब भी बचत करता है तो शायद अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से या अपने घर वालों से उसको छिपाना चाहता है, क्योंकि न जाने क्यों उनको शायद ऐसा एहसास होता है कि मैं अगर बता दूंगा तो ये इसको कहीं खर्च कर देंगे, या फिर वो जो मैं एक मुसीबत के समय के लिए रख रहा हूँ वो शायद सफल ना हो। ऐसी क्या कोई एक सुविधा आप हमारे जो व्यूवर्स है उनके लिए उपलब्ध करवा सकते हैं, या फिर ऐसा कोई एक तरीका है जिससे वो सेविंग भी कर सके
उनकी सेविंग भी रहे, वो घर वालों से छिपा के भी रख सके, लेकिन जब अचानक से किसी हादसे में उनकी डेथ हो जाए या फिर उनके जाने के बाद उन्होंने जो भी जमा किया है वो उनके घर वालों तक कोई भी तरह से पहुंच जाए, उनके घर वालों को इतना ज्यादा पापड़ न बेलने पड़े कहीं और से पता लगाने में कि इन्होंने क्या इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, उन्हें डायरेक्ट पता चल जाए, क्या ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा बबीता जी, एंड ये कंसर्न इंडिया में मैक्सिमम जो अर्निंग मेंबर होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनका रहता है कि मैं आज अपने इन्वेस्टमेंट की जानकारी मैं अपने बच्चों को दे दूं तो क्या पता बुढ़ापे में मेरा साथ दे नहीं दे, बहुत बड़ी एक मन में संकोच रहता है उनको। तो काफी लोग ऐसे आते हैं हमारे पास भी, तो उनको मैं पूछता हूँ कि ठीक है आपके काफी इन्वेस्टमेंट है, आपने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, आपका कंसर्न भी नो वाजिब है कि आप अपने बच्चों को अभी नहीं बताना चाहते, तो हम उनको क्वेश्चन पहला प्रश्न ये पूछते हैं कि सर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जानकारी अपने बच्चों को अपने परिवार को अभी नहीं बताना चाहते हैं या कभी नहीं बताना चाहते हैं? तो वो बोलते अगर कुछ हमें हो जाए तो हम चाहेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट की जानकारी या हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे परिवार को ही मिले, तो उनके लिए ऑब्वियसली आपको वो व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी कि आपके इन्वेस्टमेंट की जानकारी आपके अलावा परिवार में आपके किसी एक सदस्य जिसके ऊपर आप काफी ट्रस्ट करते हैं उसको ये पता रहना चाहिए। और आपसे शेयर करके मुझे काफी खुशी हो रही है कि हमने कुछ महीने पहले ऐसा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसका नाम वेल्थ समाधान कार्ड है। ये एक ऑनलाइन डायरी है, सिंपल डायरी है, जैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन घर में किसी डायरी में मेंटेन करते हैं, वैसे ही आप अपने इन्वेस्टमेंट की डायरी एक ऑनलाइन सिस्टम में आप मेंटेन करिए। उसके फायदे काफी होते हैं क्योंकि जब आप ऑनलाइन डायरी मेंटेन करते हो तो घर में मेंटेन करने के डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, कभी आपके पेपर गुम गए, घर में कोई भी आपदा आ सकती है, फायर हो गया, अर्थक्वेक आ गया, या घर में जिसकी इन्वेस्टमेंट अगर उसी को कुछ हो गया तो पेपर की कुछ जानकारी पूरी नहीं मिल पाती। तो वेल समाधान कार्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने संपत्ति की सिंपल डायरी, उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको देने की जरूरत नहीं है, सिंपल अगर आप ये भी लिख देते हैं कि मेरे पास 5 बैंक अकाउंट है, ये बैंक है, मैंने 5 जगह पॉलिसी ली है, बबीता जी से मैंने एक पॉलिसी खरीदी है, और पॉलिसी की डिटेल देने की जरूरत नहीं है। बट अगर इतना भी अगर क्लू फैमिली वाले को आप एक ऑनलाइन सिस्टम में अगर मेंटेन करके रखते हैं तो कल को उस अर्निंग मेंबर को कुछ हो गया तो एटलीस्ट उनके परिवार वाले उस इंफॉर्मेशन की जानकारी तो हासिल कर सकते हैं, और उस छोटी सी जानकारी के बाद आपको सारी इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में काफी सहायता आपको मिलती है। एंड इसके अलावा इस वेल समाधान कार्ड में हमने और एक फैसिलिटी दी है कि आप फैमिली में फैमिली के किसी भी मेंबर का 2 का आप इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं। सो अगर मेरे केस में मैंने मेरे वाइफ का इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, एंड उसके अलावा एक फ्रेंड और रिलेटिव जो हमारे साथ एक ही छत के नीचे न रहता हो, क्योंकि देखिए मेरी इन्वेस्टमेंट की जानकारी अगर मेरी सिर्फ वाइफ को ही पता है तो भी वो 360 डिग्री प्रोटेक्शन नहीं है मेरी वेल्थ की, क्योंकि देखिए मेरे मम्मी पापा आसाम रहते हैं, हम यहाँ न्यूक्लियर फैमिली एक ही छत के नीचे रहते हैं, कल को पूरे के पूरे परिवार को कुछ हो जाए तो मेरी संपत्ति की जानकारी आज के दिन में मेरे परिवार को, मेरे माता पिता को कैसे पता चले। तो उसके लिए ये जरूरी है कि मेरे वाइफ के अलावा मैं एक ऐसा रिलेटिव, सपोज बबीता जी मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो मैं बबीता जी का नाम, मोबाइल, ईमेल आईडी उस वेल समाधान कार्ड में मैंने दे दिया, सो दैट कल को किसी भी घटना हो तो मेरी वाइफ या बबीता जी शेयर समाधान को अप्रोच कर सकती है, हम कंप्लीट वेरीफाई करेंगे। जब तक हम ये इंश्योर नहीं करेंगे कि बबीता जी विकास की फ्रेंड है तो हम काफी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगते हैं, बबीता जी को प्रूफ करना पड़ेगा
कि हाँ ये प्रॉब्लम है, उसके बाद सिस्टम बबीता जी को नया यूजर आईडी पासवर्ड देता है उसको एक्सेस करने के लिए। सो इस छोटी सी जानकारी से आप अपनी कमाई हुई संपत्ति को ना मतलब सुरक्षित तो रख ही सकते हैं, बट कल को कुछ घटना हो जाए तो उनका जो लीगल वारिस है वो भी उसको क्लेम करने में आसानी से उसे क्लेम कर सकता है। तो ये हमने रिसेंटली स्टार्ट किया था बबीता जी। ओके okay, नहीं मैं इसमें एक बात आपसे जानना चाहूंगी विकास जी, कि आपने कहा कि किसी न किसी एक से दोस्ती आपको रखना बहुत जरूरी है या किसी न किसी पे विश्वास करना जरूरी है, कि विश्वास केवल इसलिए कि वो उनका नाम फोन नंबर आप तक पहुंचा सके या सेठ समाधान ने जो ये कार्ड वाली सुविधा दी है वहां पे आप मेंशन कर सको, उस रिगार्डिंग आप कहना चाह रहे थे कि किसी न किसी पे आपको विश्वास करना होगा। आपके कहने हाँ मतलब आपके कहने के मायने ये थे कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप उनका इन्वेस्ट किया हुआ उनका लिखा हुआ है, यही कहना चाह रहे थे आप। यस, इसमें एक चीज और मैं काफी क्लाइंट्स ये भी बोलते हैं कि मैं अगर मेरी इंफॉर्मेशन वेल समाधान कार्ड में रखूं और वहां मैं अपने वाइफ का कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ और मैं अपने नंबर दे रहा हूँ, तो क्या वो दोनों शख्स मेरे रहते हुए मेरी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं क्या? तो इसका आंसर ना है। तो जब तक वो जो सब्सक्राइबर है जो क्लाइंट है वो जब तक जिंदा है उनके जो नहीं, अगर वो विकास जी काटना चाहूंगी आपकी बात बीच में, एक बात पूछना चाहूंगी कि अगर वो कोई भी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो जाए या कुछ इस तरह की सिचुएशन में आ जाए कि वो अनेबल हो जाए, तब फिर आप सुविधा उन्हें देते हैं कि वो उसको एक्सेस कर सके कि आपके यहाँ उसकी सुविधा? वो सुविधा भी हम उनको इतना इजीली नहीं देते। अगर उस बंदे को अगर कुछ मेंटली प्रॉब्लम हो गई तो उनके जो फैमिली वाले हैं जिसका इमरजेंसी नंबर दिया हुआ है उनको मेडिकल प्रूफ के साथ हमें वो डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे कि जो मेन सब्सक्राइबर है उसको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो गई है, हम उसको इवेल्युएट करेंगे और उस सब्सक्राइबर को पहले हम फोन भी करेंगे, अगर वो फोन उठा लेता है और अगर अच्छी तरह से बात कर रहा है तब हम उनके फैमिली वाले से वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। दूसरी बात आपको ये भी हम मेंशन कर दें कि वो जो इन्वेस्टमेंट की जानकारी जो हमारे पोर्टल में मेंशन कर रहा है या मेंटेन कर रहा है उसको हम भी एक्सेस नहीं कर पाते, वो इंफॉर्मेशन कंप्लीटली एनक्रिप्टेड है। आप मन में ये ना रखे कि उसकी इन्वेस्टमेंट की जानकारी उनके अलावा किसी को पता रहेगा, उनके अलावा किसी को पता नहीं रहेगा, जिसके पास यूजर आईडी पासवर्ड है उसी को ही पता रहेगा। okay. तो इसमें कोई आप अगर इस तरह का कुछ भी करना चाहता है अपने इन्वेस्टमेंट को याद रखने के लिए या अपने घर वालों तक पहुंचाने के लिए, तो इसकी प्रोसेस क्या है आपके यहाँ? सिंपल है, ये कम्प्लीटली ऑनलाइन है बबीता जी। हमारी वेबसाइट जो sharesamadhan.com है उसमें वेल्थ समाधान एक अलग सेक्शन है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आप जैसे एक जीमेल में अकाउंट ओपन करते हैं वैसे ही आपको एक अकाउंट ओपन करना है। उसके बाद वो एक वहाँ कंप्लीट फैसिलिटी देता है जिसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट की जानकारी अपने सहूलियत के अनुसार आप मेंटेन कर सकते हैं, और एक बार आप सब्सक्राइबर बन गए तो आपके पास एक यूजर आईडी पासवर्ड है। जैसे आप दिन में 10 बार फेसबुक चेक करते हैं वैसे उसमें भी आप कितनी बार ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, कितनी भी बार अपने इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं, और वो आपके पास ही रहेगा और किसी के पास एक्सेस उसका नहीं रहता। मतलब एक तरह से वो एक डायरी है जो आपके हाथ में नहीं है, वो एयर की दुनिया में है। एयर की दुनिया में, और जरूरी है वो एयर की दुनिया में रहना क्योंकि घर पे तो कुछ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आजकल हम भी चाहते हैं कि मैं भी जैसे मेरी राइटिंग या जो भी मेरी है तो मैं भी आजकल कोशिश करती हूँ कि मैं वन ड्राइव में या कोई इस तरह की जगह पे रखूँ कि बाई चांस मेरा लैपटॉप अगर खराब भी हो जाए या क्रैश भी हो जाए या कुछ भी हो जाए तो एटलीस्ट वो सुरक्षित रहे। बिल्कुल सही है। मैं अब आपसे आना चाहूंगी, अब हम हमारी टॉक के अंतिम हिस्से में पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो टॉक शो आपने शुरू किया है शेयर समाधान के साथ सारे समाधान, तो इसका क्या कारण है और इसमें हम क्या डिस्कस आने वाले टाइम में करने वाले हैं या फिर हम क्या इन्फॉर्मेशन हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको देने वाले हैं?
सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बबीता जी, लास्ट 10 सालों में हमने रियलाइज किया कि लोगों की जो इन्वेस्टमेंट जो करके भूल जाते हैं और रिकवर नहीं कर पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है हर फैमिली के लिए, पेन पॉइंट है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अलग अलग होते हैं, कहाँ कहाँ उनको जाना पड़ता है, कौन से डिपार्टमेंट में फॉलोअप करना पड़ता है, उनको किन किन पेपर फॉर्मेलिटी की जरूरत पड़ती रहती है। सो हमने इसके बारे में फिर सोचा कि क्यों ना एक ऐसा एक अनूठा डिजिटल शो हम करें, जिसमें हम फ्रिक्वेंट इंटरवेल में इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट है उनको हम उनसे हम उनकी राय लेंगे। एंड टॉपिक जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर किसी की फैमिली में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उनके परिवार को उनकी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, अगर किसी ने विल बनाई है तो क्या करना पड़ता है, किसी ने विल नहीं बनाई है तो क्या करना पड़ता है। तो इस सब्जेक्ट को, इस समस्या के समाधान के लिए हम एक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट को जो इन चीजों को जानता है, हम उनको बुला के लोगों को ये अवेयर करवाना चाहते हैं कि अगर ये समस्या हो तो आप किस हिसाब से इनको डील कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी कानूनी समस्याओं में अगर कोई फंस गया है, किसी के फैमिली में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, स्पेसिफिक कोई डिस्प्यूट है, तो उनमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अगर सरकार के पास कुछ इन्वेस्टमेंट चले गए हैं तो आपको कैसे उनसे रिकवर करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करते समय नॉमिनी बनाना नहीं बनाना कितना जरूरी है। और आज के दिन में आप लोगों ने काफी देखा होगा कि कई शेयर ब्रोकर लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं, कई लोग बैंकक्रप्ट हो गए, लोगों के शेयर उन ब्रोकरों के साथ फंस जाते हैं। तो अगर ब्रोकर डिफॉल्ट करता है तो आपको किन किन चीजों की जरूरत रखनी पड़ती है, छोटे छोटे कोऑपरेटिव बैंक बस्ट हो गए हैं, लोगों की जिंदगी भर की कमाई उन बैंकों में एज ए सेविंग अकाउंट पड़ी हुई है, उस सिचुएशन में एक सेविंग अकाउंट होल्डर का क्या राइट बनता है। तो ये काफी जो समस्याएं हैं वो हमने रियलाइज की है। तो हम चाहते हैं एटलीस्ट जो मैंने अपने लाइफ में एटलीस्ट जिन समस्याओं का मैंने एटलीस्ट फेस किया है वो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट कोई दूसरे लोग उसको ना फेस करे। तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम एटलीस्ट उन समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं जो एटलीस्ट डिजिटल मीडिया के थ्रू हम हमारी ये इच्छा रहेगी कि हम छोटे से छोटे गांव में भी इसको पहुंचा सके। बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इस COVID-19 के दौर ने हमें सिखाया है ये कि हम किस तरह से छोटे से छोटे गांव तक, हमने बहुत नुकसान इसके झेले हैं, मैं नुकसानों की चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि वो हम सब जानते हैं, लेकिन जो एक फायदा COVID-19 का हुआ है वो ये हुआ है कि हम कहीं भी बैठ के कहीं भी पहुंच सकते हैं और बहुत सारे लोगों तक स्ट्रीम यार्ड, जूम या इन सारे गूगल मीट आदि के जरिए अपनी बात पहुंचा सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं। इसकी हमारे देश में आज बहुत बड़ी आवश्यकता भी है। मैं हमारे जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उन सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने बड़े प्यार से हमें सुना और समझा। आगे भी शेयर समाधान के मंच पे जितने भी टॉक शोज हम लेके आते रहेंगे उनसे वो अपने जीवन में बहुत कुछ सीखेंगे और इससे जुड़े भी सवाल अगर उनके हैं, अगर वो अभी चाहें तो अभी शेयर कर सकते हैं और अगर वो बाद में भी चाहें तो डेफिनेटली हम उन्हें उनके जवाब देंगे। आप हमारा भी बाद में भी अगर कोई जब सवाल आपके दिमाग में आता है और आप वो कमेंट बॉक्स में डालते हैं तो डेफिनेटली आपको विकास जी से मैं निवेदन करूंगी कि वे उसका जवाब जरूर दें। और मैं विकास जी से कहना चाहूंगी कि वो क्या कहना चाहेंगे, हमारे जो व्यूवर्स है उनको वो एक छोटा सा संदेश क्या देना चाहेंगे या उनका जो 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है इन सारे के सारे कार्यों में तो वो उनसे क्या एक अपनी तरफ से एक मैसेज उन्हें देना चाहेंगे। थैंक यू अभिता जी। मैंने तो सो ये शेयर समाधान स्टार्ट किया था आउट ऑफ एक्सीडेंट, बट एटलीस्ट 10 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है इनमें एटलीस्ट मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि आप के लिए कमाना और इन्वेस्टमेंट जितना जरूरी है वो कमाई की हुई
और वो इन्वेस्टमेंट है, उनकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। कभी भी आप यू नो कॉम्प्लेसेंस ना हो कि यू नो फैमिली को हम कभी भी बता देंगे, अभी तो हम यंग है, यू नो 60 70 80 साल के जब हो जाएंगे तब बता देंगे, तो ये नहीं है। जिंदगी का कुछ भरोसा है नहीं, मतलब आप सरप्राइज होंगे अपने देश में 400 से 450 लोग डेली रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर होते हैं जिसकी FIR लॉज होती है। हर 15 सेकेंड में एक हार्ट अटैक से एक्सपायर होता है। तो ये जो इंसिडेंसेस है आज के दिन में यंग जनरेशन को डिप्रेशन, हार्ट अटैक्स, ऐसे काफी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो यू नो ये ना सोचे कि भगवान ने हमें कोई बॉन्ड पेपर में लिख के दिया है कि नहीं तुमको 50 साल 60 साल कुछ नहीं होगा। एंड COVID-19 ने हमें काफी कुछ सिखाया है कि यू नो लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले यू नो अपनी अपनी फैमिली की सुरक्षा काफी जरूरी है, बट एटलीस्ट इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आपकी कमाई हुई संपत्ति कल को कुछ हो जाए तो हमारी फैमिली को दर दर की ठोकर ना खानी पड़े। तो एटलीस्ट उसके लिए आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेसेंस ना हो। तो सबसे पहले मैं यही हर लोगों को बोलना चाहता हूं कि फैमिली में किसी को बता के रखें, भले ही वो वेल्थ समाधान कार्ड सब्सक्राइब करे ना करे, और काफी डिजिटल वॉलेट्स होते हैं, बट वो होना जरूरी है सो दैट यू नो बाद में अपनी फैमिली को तकलीफ ना हो। और उसके बाद भी अगर आपको तकलीफ है तो उसके लिए शेयर समाधान हमेशा आपके लिए तत्पर है। कभी भी इन चीजों से कभी भी कोई समस्याओं का समाधान चाहे तो उन सारे समाधानों के लिए शेयर समाधान हमेशा आप लोगों के लिए है। थैंक यू विकास जी, आपने जो इतना अश्योरेंस हमें दिया है उसके लिए आपका शुक्रिया। अब हम इस कार्यक्रम को एंड करते हैं और अगली बार फिर हम विकास जी के साथ मिलेंगे किसी और विषय पे बात करने जो इसी से जुड़ा हुआ है, जैसा कि अभी विकास जी ने हमें बताया कि और कितनी सारी चीजें इन सारी चीजों से जुड़ी हुई है कि कैसे हम हमारी क्लेम को अनक्लेम करा सकते हैं। उन सब से जुड़े बहुत सारे इश्यूओं पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हंसी मजाक के लिए, मनोरंजन के लिए हमारे पास बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे होने चाहिए जहाँ पे हम कुछ गंभीरता के साथ कुछ ऐसे विषयों पे, ऐसे मुद्दों पे बात कर सके जो हमारे जीवन को आसान कर दे। क्योंकि ये ऐसे है जो जैसा कि अभी विकास जी बता रहे थे कि डिप्रेशन की वजह से और हार्ट अटैक की वजह से बहुत सारी मौत होती है, और इन सारी मौत का मेरा जो आकलन है वो ये कहता है कि सबसे बड़ी समस्या वहां फाइनेंस की ही होती है। क्योंकि फाइनेंस एक ऐसी चीज है जिसके लिए परिवार वाले अंदर ही अंदर घुटते हैं कि उनका परिवार कैसे चलेगा, घर कैसे चले। COVID-19 में भी ये हम देख रहे हैं। तो अगर इसको हमें मैनेज करना आ जाए, इसकी हमें बचत करना और उसको वापस से क्लेम करना आ जाए हमें, तो शायद हम हमारी लाइफ को और आसान बना सकते हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि हम इस बारे में थोड़ी गंभीरता से सोचें। जितना ध्यान हमारा बचत करने पे रहता है उतना ही ध्यान हम इस तरफ भी दें, उसे हम वापस अपने तक कैसे लेके आए या हमारे जाने के बाद हमारे घर वालों तक वो वापस लौट के कैसे आए, इस तरफ हम ध्यान दें। और आज का हमारा शो करने का मकसद भी यही था, हम आपको इस बात के लिए अवेयर कर सके। चलिए हम विदा लेते हैं। विकास जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में? थैंक यू सो मच बबीता जी फॉर होस्टिंग दिस शो, एंड हम आने वाले टाइम में इसी प्रकार से ऐसे शो लाते रहेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ, एंड आपकी समस्याओं का समाधान के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू विकास जी। हमारे सभी व्यूअर्स से हम विदाई लेते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें सुना। आपको अगर हमारा ये टॉक शो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं और उन लोगों तक भी शेयर समाधान का मैसेज पहुंचा सकते हैं जिनके बारे में कभी भी आपने सुना है कि उन्हें इस तरह की कोई तकलीफ आई है या फिर आने वाले समय में आ सकती है। ये आप सबसे विदा। आप सब खुश रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहें। सबसे अलविदा, नमस्कार।